रामपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से रामपुर जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह स्टेशन मुरादाबाद रेलवे मंडल का एक खास रेलवे स्टेशन है जो लखनऊ दिल्ली लाइन पर, लखनऊ मुरादाबाद लाइन पर और रामपुर काठ गोदाम लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। रामपुर रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय लखनऊ मुरादाबाद लाइन का निर्माण किया गया था। ठीक इसके कुछ ही वर्षों के बाद रामपुर रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। वैसे रामपुर रेलवे स्टेशन का गठन 8 जून साल 1894 में आज से तकरीबन 127 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन काल के समय यात्रियों के लिए विकसित किया गया था। रामपुर रेलवे जंक्शन लखनऊ मुरादाबाद लाइन का एक व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो मुरादाबाद रेलवे मंडल पे अच्छी कमाई करने वाले रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की रामपुर रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने रामपुर रेलवे स्टेशन से कभी यात्रा किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन हर कोई जान सके। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक रेलवे जंक्शन है जो उत्तर प्रदेश के 1134 रेलवे स्टेशनों में से एक रामपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह स्टेशन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य पे और रामपुर जिला के रामपुर तहसील के रामपुर शहर पे मुरादाबाद और बरेली के बीच में स्थित उत्तर प्रदेश के और रामपुर जिला के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है RMU। रामपुर रेलवे जंक्शन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है और यहां से होकर गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के नाम जन शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर मेल एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, आला हजरत एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, रानी खेत एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस और अवध असम एक्सप्रेस शामिल है। इस वजह से यात्री रामपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, रामपुर जिला के रामपुर रेलवे जंक्शन की शुरुआत साल 1894 में किया गया था पर लखनऊ से मुरादाबाद लाइन को साल 1872 से साल 1894 के दौरान तकरीबन इस रेल लाइन को पूरी तरह कंप्लीट होने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा, जिसकी दूरी लगभग 326 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस 326 किलोमीटर के बीच में कुल मिलाकर 52 रेलवे स्टेशन स्थित है। इसे लखनऊ मुरादाबाद मेल लाइन के नाम से जाना जाता है। यह रेल लाइन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली रेलवे स्टेशन के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में रामपुर रेलवे स्टेशन स्थित है। लखनऊ मुरादाबाद लाइन की डिटेल्स में बात करें तो लखनऊ से हरदोई लाइन को साल 1872 पे, हरदोई से बरेली लाइन को साल 1873 पे और बरेली से मुरादाबाद लाइन को साल 1894 पे पूरा किया गया था। रामपुर रेलवे जंक्शन आसपास के इलाके का एक प्रमुख परिवहन बिंदु केंद्र के रूप में सर्विस प्रदान करता है जहां से यात्री उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग शहरों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। रामपुर से मुरादाबाद की दूरी महज 27 किलोमीटर और रामपुर से बरेली की दूरी तकरीबन 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामपुर रेलवे स्टेशन मुरादाबाद और बरेली के बीच में स्थित है जिस वजह से मुरादाबाद रेलवे जंक्शन के द्वारा मुरादाबाद अम्बाला लाइन से, मुरादाबाद दिल्ली लाइन से, मुरादाबाद अलीगढ़ लाइन से, रामनगर मुरादाबाद लाइन से और चंदौसी लूप लाइन से और इधर बरेली रेलवे जंक्शन के द्वारा बरेली बदायूं कासगंज लाइन से, बरेली भोजपुरा पीलीभीत लाइन से, बरेली भोजपुरा काठ गोदाम लाइन से और लखनऊ मुरादाबाद लाइन से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो रामपुर रेलवे स्टेशन
को अभी के मौजूदा समय पे पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। वैसे मुगलसराय से मुरादाबाद लाइन को साल 2013 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। रामपुर रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के नॉर्थन रेलवे जोन के मुरादाबाद रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। साल 1899 में रामपुर रेलवे स्टेशन को मुरादाबाद रेलवे मंडल का हिस्सा बनाया गया था। रामपुर रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र से 191 मीटर तकरीबन 627 फुट के करीब है। रामपुर रेलवे जंक्शन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म और 5 पटरियां शामिल है। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपस में पैदल पुल के द्वारा हुए हैं। यहाँ से रोजाना तकरीबन 25,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 122 रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती है और गुजरती है। आपको बता दें, रामपुर रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर 92 एक्सप्रेस ट्रेन, 6 पैसेंजर ट्रेन और 2 मेमू ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है और गुजरती है। रामपुर रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का एक ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन है। रामपुर रेलवे स्टेशन की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय इस रेलवे स्टेशन पर गिनी चुनी ट्रेन ही चला करती थी, जिस वजह से यह स्टेशन उस समय काफी छोटा हुआ करता था और बहुत सारी सुविधाओं की कमी हुआ करती थी। लेकिन आज के मौजूदा समय पे साल 2021 के नजर से देखा जाए तो रामपुर रेलवे स्टेशन अपने आप में काफी बदल गया है और बदला जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों के लिए लगभग हर सुविधाएं उपलब्ध है। आपको बता दें, वक्त के साथ धीरे धीरे रामपुर रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की वृद्धि होने की वजह से रामपुर रेलवे स्टेशन को कुछ हद तक सुधार कर यात्रियों के लिए विकसित किया जा रहा है। रामपुर रेलवे जंक्शन पे यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, ठहरने के लिए होटल, रिजर्वेशन काउंटर, जनरल टिकट काउंटर, रेलवे पुलिस स्टेशन, NTAC, UTS, ATM, पीने का पानी, शौचालय, वाटर कूलर, वाटर वेडिंग मशीन, फूड स्टॉल, टी स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। रामपुर रेलवे स्टेशन लखनऊ दिल्ली लाइन पर, लखनऊ मुरादाबाद मेल लाइन पर और रामपुर काठ गोदाम लाइन पर स्थित है।